जब आप एलियंस के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया का जादू या फिर कुछ और? ब्रह्मांड में इंसानों के अलावा एलियंस है या नहीं, इस सवाल पर हमेशा चर्चा होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर, मैं हूं आपके साथ अनुकंपा। दुनिया भर में अब तक सिर्फ आशंका जताई जाती थी कि एलियंस मौजूद है, लेकिन अब पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी डेविड ग्रुश ने दावा किया है कि अमेरिकी सरकार के पास एक क्रैश्ड UFO है। डेविड ग्रुश के दिए गए बयान से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। ग्रुश ने अपने सनसनीखेज बयान में कहा, UFO धरती पर क्रैश हुआ, उसमें जो डेड बॉडी मिली वो इंसान की नहीं थी। अमेरिका दशकों से UFO को पकड़ने की बात छुपा रहा है। इतना ही नहीं, ग्रुश ने ये भी खुलासा किया कि अमेरिकी सरकार के पास UFO का अंतरिक्ष यान भी है। आपको बताते चलें, ग्रुश अमेरिका रक्षा विभाग में UAP से जुड़ी घटनाओं के जांच के प्रभारी रह चुके हैं। ग्रुश ने बुधवार को ये खुलासा कांग्रेस समिति के सामने किया और इस मामले में कांग्रेस से जांच का आग्रह भी किया। जहां एक तरफ ग्रुश ने यह दावा किया कि अमेरिका के पास एलियन का शव है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी साफ किया कि उन्होंने कई अधिकारियों से बात की और उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, मेरे पास बताने के लिए ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने अपनी आंखों से देखा हो। अब इस पूरे मामले पर पेंटागन ने कहा है कि कई लोगों ने चिंता जताई है कि अज्ञात हवाई वस्तुएं यानी UFO राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने पेंटागन ने कहा था कि उसे किसी भी क्रैश UFO की जानकारी नहीं मिली है। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें हिंदी खबर।